जी वापसी का रास्ता शुरू हो गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। गुड आफ्टरनून फ्राम बंदर अब्बास। और मुझे नहीं पता कि आज मेरा कौन सा दिन है और डेट आई थिंक आज 27 है, 27 अप्रैल, और टाइम 1 बज गया है। रात मुझे काफ़ी देर हो गई थी होटल ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जितने भी होटल्स को मैंने कॉल की है, ऑलमोस्ट 7-8 होटल्स में कॉल की है, सब ने यही कहा कि उनके पास रूम नहीं है। तो फाइनली मुझे तकरीबन 1:30-2 बजे रात को ये होटल मिला था, तो मैं आते साथ ही फिर सो गया था। और बस सुबह उठते उठते काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मैं थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी यार जो मसला है ना बाइक वाला, वो बड़ा उसने तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसकी। अभी जाएंगे दोबारा से कोई मकैनिक वगैरह ढूंढने की मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे मिल जाए मकैनिक और ज़्यादा मसला ना हो लंबा। अगर ज़्यादा मसला हो गया ना लंबा वाला, तो फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना यहाँ से वापस निकल जाऊँगा पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अभी बाइक इस कंडीशन में है कि उसको वापस ले के जाया जा सकता है। लाइक अगर उसका 4th गियर जो है ना वो लग जाए किसी तरीके से, तो 4th गियर में वो बाइक चलती रहती है। अगर बाइक खुल गई और उसके बाद सही से फिट ना हुई ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, फिर तो कोई हल ही नहीं है ना, फिर तो बाइक यहीं पे रहेगी। आई डोंट नो उसके बाद पार्ट्स वगैरह आते हैं नहीं आते, ख़ुद लेके आने पड़ते हैं या मंगवाने पड़ते हैं किसी से। तो खैर लंबा काम होने वाला है ये। एक और जो मुझे ऑप्शन नज़र आया है वो ये है कि पाकिस्तानी बाइकर वो दुबई से आ रहा है ईरान, कल उसने आ जाना है, और अगर कोई हल ना निकला तो मैं उसके साथ वापस पाकिस्तान की तरफ निकलूँगा, ताकि खुदा ना खास्ता रास्ते में अगर कोई मसला हो भी जाता है तो एटलीस्ट एक और बाइक होगा, तो हम उसके साथ उसको टो कर लेंगे। तो यस, दिस इज़ इट, दी अदर साइड ऑफ दी स्टोरी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि पहले तकरीबन 6-7 दिन मेरे उधर ज़ाया हुए हैं, ज़ाराबाद में और कुनार्क में, ड्रोन की वजह से जो सारे मामलात हुए हैं, और अब बाइक का मसला बन गया है। So yes, I wasn't expecting this kind of stuff, लेकिन अब क्या करें कि ये तो मशीन है ना, एक हो सकता है, हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी बाइक के साथ हो सकता है ये मसला, बड़ी बाइक्स में भी हो जाता है। तो खैर अब इसको सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह ठीक से ये चलना शुरू हो जाए बाइक, मसला ना करे कोई। मैप लगा रहे हैं, जाना हमने किधर है, काफ़ी दूर ही जाना है वैसे तो, क्योंकि ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था होटल, मेन सिटी से दूर है काफ़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो टू करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हुए हैं बिल्कुल। Thank you. ये आ गया है इसका बीच बंदर अब्बास का। काफ़ी खूबसूरत है यार ये भी। ये बिल्कुल वैसा रोड है जैसा गवादर में है, एक उसका नाम पता नहीं क्या है, ज़हन से निकल गया मेरे, लेकिन वैसे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और इधर डेवलपमेंट ज़्यादा है। गवादर वाली रोड पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट नहीं है। तो अभी करेंसी एक्सचेंज यहाँ से है 5 किलोमीटर्स और ये सारा जो 5 किलोमीटर है ना ये सारे ही ये बीच के साथ साथ ही रोड जा रही है। कोई खाना वगैरह भी खाना है अभी, लेकिन पहले ये करेंसी एक्सचेंज करवा लें क्योंकि मुझे नहीं पता कि कार्ड के अंदर कितने पैसे हैं और कैश भी ख़त्म हो गया है, तो ये ना हो कि खा के बैठा हूँ और कार्ड में पैसे ना हों। और डॉलर्स वगैरह लेता कोई नहीं है यहाँ पे, शायद ले ही ले, लेकिन हम क्यों रिस्क लें, पहले चेंज करवाते हैं पैसे ताकि जेब में ईरानियन करेंसी हो। ओके जी, हम ये पहुँच गए हैं करेंसी एक्सचेंज। मैं चेक कर रहा था कि करेंसी एक्सचेंज को कहते क्या हैं, पर्शियन में सराफ़ी कहते हैं जी करेंसी एक्सचेंज को। ओके जी, करेंसी जो है ना वो चेंज हो गई है। थोड़ा सा मसला आया था उसमें कि वो कह रहे थे कि हमारे पास कैश नहीं है, तो लकीली मेरे पास जो कार्ड था ना, मैंने फिर वो जो मेरा होस्ट था ईरान शहर में मसूद, तो उसने फिर बात की मसूद ने वो करेंसी वाली से कि डॉलर्स लेके और जो पैसे हैं ना वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तो यस, हो गया काम इजीली। अब मैं कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मसूद ने मुझे दिया था। तो अब देखता हूँ, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बाइक को मज़ीद चेक करवाते हैं। ये प्लान अब ये है कि मैं पहले जाऊँगा होस्ट के पास, जो आज मुझे होस्ट कर रहे हैं भाई साहब काउच सर्फिंग वाले, तो उनसे मेरी बात हो गई है और लोकेशन भेज दी है। तो अभी मैं जाऊंगा उनकी तरफ, वहाँ पे होपफुली आज मैं जाके स्टे करूँगा, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे सामान वगैरह सारा उतार के ना फिर नेकेड बाइक लेके आऊँगा मैं मकैनिक के पास, ताकि कोई 4-5 लोगों को दिखाऊँ और आराम से जो है ना सारा काम हो जाए चेक करवाने वाला। तो यस, हम जो है ना अभी इसी रोड के ऊपर ही हैं, ये साथ ही बीच है और ये आई थिंक बंदर अब्बास वाला जो मेन बीच है वही है। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता फ़िलहाल। तो खैर, यहाँ से हमने लेना है यू टर्न। यस, यार ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है, स्पेशली वॉक करने के लिए। तो अब वॉक तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि बाइक को छोड़ना मुश्किल है, तो और वैसे भी फ़िलहाल मैं उधर जा रहा हूँ अपने होस्ट की तरफ, तो इसलिए बस आप ऐसे ही नज़ारे ले लें इसके। It is so accurate. Thank you so much. Hello, good afternoon from somewhere in बंदर अब्बास। कल मैं एक काउच सर्फिंग के होस्ट के पास आ गया था उनके अपार्टमेंट में, क्योंकि आज जो है ना वो ऑफ है, सारी जो शॉप्स वगैरह हैं वो सारी बंद हैं जो बाइक्स वाली हैं, तो पॉसिबल नहीं था कि बाइक को कहीं चेक करवाया जा सके। तो अभी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ अगर कोई खुली हुई शॉप तो चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला था लगेज का, जो इतना सारा उसके ऊपर लगेज लोड था बाइक के ऊपर, तो वो सही नहीं था। अब मैंने उसे सारा जो है ना वो उतार लिया है, बाइक बिल्कुल खाली हो गई है, तो अब मैं उसे आराम से जाके ना चेक करवा सकता हूँ मैकेनिक्स को। तो देखते हैं अगर आज मिल गया हमें कोई मैकेनिक बेहतर है, नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह कल चेक करवाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब क्या होने वाला है आगे। और आज इंशाल्लाह वो जो दुबई से एक पाकिस्तानी बाइकर आ रहा है वो भी आ जाएगा, तो उससे भी डिस्कस हो जाएगा थोड़ा सा कि वो अगर डायरेक्ट वापस आ रहा है तो हो सकता है कि मैं वापस ही चला जाऊँ उसके साथ। सो यस, डेट्स इट फॉर नाउ। और यहाँ से जो सिटी का व्यू आ रहा है ना बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। सी तो अगली सुबह मैंने अतीक को पिक करके मुख्तलिफ मकैनिक्स को बाइक चेक करवाना शुरू किया। आखिरकार एक मकैनिक ने हामी भर ली कि वो बाइक ठीक कर लेगा, लेकिन मसला ये है कि इंजन खुलने के बाद अगर कुछ पार्ट्स तब्दील करना पड़े और मुमकिन है कि वो पार्ट्स यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो फिर इंजन बंद करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो बाइक चल रही है, इंजन खुलने के बाद पार्ट्स तब्दील किए बगैर इंजन बंद नहीं हो सकेगा और फिर बाइक चलने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो खैर काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अतीक के साथ वापस पाकिस्तान निकल जाऊँगा, ताकि अगर रास्ते में कोई मसला आया भी तो अतीक के बाइक के साथ मेरी बाइक को टो कर लिया जाएगा और हम इकट्ठे पाकिस्तान पहुँच ही जाएंगे। Thank you so much. Thank you so much. And I hope so you enjoy with me. Yeah, same here. I enjoyed it a lot. And I hope so have a nice trip. Yeah, thank you so much. Inshallah. Hello, good afternoon. So the updated scenes are कि अतीक को बाइक मिल गया है पोर्ट से, वो अब आ रहा है यहाँ पे और अब हम इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से टुवर्ड्स बाम। और मेरा यार वाकई दिल नहीं कर रहा वापस जाने का, अगर मेरा रास्ते में बन गया ना मूड तो मैंने रास्ते से निकल जाना है शिराज की तरफ। तो थोड़ा सा राइड भी हो जाएगी, थोड़ी सी पता भी लग जाएगा कि बाइक क्या करती है और क्या सिचुएशन है बाइक की। तो अभी हम यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे थोड़ी देर में, अतीक बस आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स गो कि एडवेंचर कहाँ लेके जाता है हमें। सो जी वापसी का रास्ता शुरू हो गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। गियर जो है मेरा वो फोर्थ गियर में शिफ्ट नहीं हो रहा, तीसरे से हुआ था एक दफ़ा, उसके बाद फिर खुद ही वो निकल गया, न्यूट्रल हो गया। तो मुझे लगता है कि मुझे वापस ही जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और गियर जो है बस चौथा लग गया था, लगा तो मुश्किल से ही था लेकिन लग गया था, तो इसलिए ज़रा इजीली अब राइड कर पा रहा हूँ मैं। 70-75 की स्पीड जो है ना वो चौथे गियर में निकल ही जाती है। काफ़ी स्टीप किस्म की चढ़ाई आ गई है और चौथे गियर में बाइक की हो रही है बस, और आप मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। डर ही लगता है वैसे गियर शिफ्ट करते हुए, पता नहीं शिफ्ट होना है कि नहीं होना, कोई नया ना पंगा डाल जाए। टनल अहेड, शाबाश शाबाश शाबाश, बस थोड़ा सा ही रह गया है, आगे फिर स्ट्रेट हो जाएगा। बहुत गर्म है यार ये टनल अंदर से। ओह माय गुडनेस, आगे फिर चढ़ाइयाँ हैं। आगे तो वैसे छोटा करना पड़ेगा ही। शुक्र है पहला और दूसरा गियर जो है ना वो सही काम करता है और सही टाइम पे लग जाता है, वरना ये लो। फिर तंग करना शुरू हो गया था। एक दफ़ा मेरी जान निकल जाती है जब गियर लगता नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सेकंड गियर में लेके चलते हैं क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक सा एरिया लग रहा है, वो बड़ी स्लो है ट्रैफिक और बिल्कुल ये टू वे रोड है, आगे से ट्रैफिक आ जाती है अचानक। और ये वाली हमारे वाली साइड जो है इस पे ट्रैफिक बहुत स्लो है, ये आगे जो ट्रक जा रहे हैं ना ये बहुत स्लो है। Come on, 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 come on. शाबाश। बहुत मुश्किल क्रॉस है यार। तो यार मुझे बाकायदा डर लगना शुरू हो गया है इस ट्रैक से, और ये जो पास है आई डोंट नो, या पता नहीं अब सारा रास्ता होना ही ऐसा है क्योंकि स्टीप है काफ़ी ज़्यादा और मसला आ रहा है गियर्स का ना बहुत ज़्यादा। वो शुक्र है, मुझे लगता है कि अब नीचे ही जाना है हमने। ओह ठंड हो गई है यार। हेलो, गुड नाइट फ्रॉम समवेयर 30 किलोमीटर्स फ्रॉम बाम। हम क्रॉस कर चुके हुए हैं और तकरीबन बाम से कोई 5-10 किलोमीटर पीछे ना एक गाड़ी वाले भाई साहब आए और वो कहने लगे कि आज आप ना हमारे साथ गुजारे हमारे घर में। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, होटल में भी तो ठहरना ही है, तो हम आपके घर ठहर जाते हैं। सो या अब ये आगे वाली गाड़ी में वो जा रहे हैं और हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और रात के 12:15 हो गए हैं, 12:15 और हम तकरीबन 10 घंटों से राइड कर रहे हैं और हमने कोई ऑलमोस्ट 420 किलोमीटर राइड किया आज, क्योंकि कल हमने बॉर्डर क्रॉस करना है हर हाल में। वो जो दूसरा भाई है जो मेरे साथ जा रहा है कि अगर कहीं बाइक वगैरह ख़राब हो गई तो बंदा दूसरी बाइक के साथ उसे कोई रस्सी वगैरह डाल के खींच लेता है। तो उसने जो है ना वो 2-3 दिन में लाहौर पहुंचना है। मतलब कल हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, परसों हम तफ्तान से कोयटा जाएंगे और उसके बाद कोयटा से आगे मैं तो जाऊंगा भाई ट्रेन पे, बाइक ट्रेन पे लेके जाऊंगा लाहौर और वो बाय रोड ही जाएगा आई थिंक। सो या दिस इज़ द प्लान सो फार, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मेरे पास जो दिन है ना वो कम है, वीज़ा ख़त्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं ना वापस जाऊंगा लाहौर में, बाइक वगैरह इसको फ़िक्स करूंगा, मैकेनिक से ठीक करवाऊंगा, वीज़ा दोबारा लगवाऊंगा और लाहौर से कोयटा बाय ट्रेन आऊँगा बाइक लेके और दोबारा हम ईरान जाएंगे ईरान आएंगे और वो जो नॉर्थ साइड है इसकी ईरान की उसे एक्सप्लोर करेंगे जाके। दिन भी इनफ होंगे और आराम से जो है ना हम वो वाली साइड अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट हेयर एंड देयर। हाँ, ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। सो जी हम आगे हैं जाहिदान तफ्तान वाली रोड पे और तफ्तान यहाँ से 360 किलोमीटर शो कर रहा है मैप और सुबह के ना 7:15 हो गए हैं और हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया निकले हुए। और फाइनली हम 2 दिन में बंदर अब्बास से जाहिदान पहुंच ही गए और हमारे चीते ने ख़राब गियर्स के साथ 750 किलोमीटर का ये तवील सफ़र जैसे तैसे करके तय करवा ही दिया। सलाम।